हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हम यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं HSSC CET मेंस एग्जाम की, और हमारा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो रखी है। तो आने वाली कमिंग दो वीडियोस के अंदर आपको कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट जो है आपका खत्म हो जाएगा। आज टॉपिक नंबर 7 आपके लिए रहने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या चीजें होती हैं, और साथ ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या करता है डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे। कंप्लीट टॉपिक आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आपने अच्छे से ध्यान से सारी चीजों को करना है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए है, पीडीएफ से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, तो पेड पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएंगे। 7419055279 पर व्हाट्सअप करके आप पेड पीडीएफ का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मुझसे। इससे पहले मैं आपके साथ 6 क्लासेस डिस्कस कर चुकी हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। आई होप आप सभी ने वो देख ली होगी, बिकॉज सारी इंटरलिंक है आपस में। सो अगर आपको पसंद आते हैं सेशन तो जरूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ। और अगर टीचिंग गोल्स आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीचिंग गोल्स को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, राज्य सरकार का क्या रोल होता है, साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या चीजें होती है और लोकल लेवल पर क्या चीजें होती हैं, सारे आज के वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, सेशन अच्छा लगेगा। तो बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट एट सेंट्रल लेवल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, और साथ ही लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लेवल पर भी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। कुछ नोडल एजेंसीज हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज हम कई बार बेसिक को छोड़ देते हैं और थोड़ा सा एडवांस में चले जाते हैं, बट आपसे क्वेश्चन जो है आपसे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए कुछ नोडल एजेंसीज यहाँ पर मैंने पहले के भी अपने क्लासेस में कवर करी हैं, फिर से डाल रही हूं उनको, थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज हो जाएगा और जो एक आधी रह गई होगी वो इसमें कवर हो जाएगी। तो कुछ नोडल एजेंसियां हैं, जैसे अगर बाढ़ की अगर बात करें, फ्लड की अगर बात करें, तो बाढ़ के लिए कौन सी आपका मिनिस्ट्री होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, जल संसाधन मंत्रालय होता है इसके लिए। साइक्लोन की अगर बात करें, चक्रवात के लिए, तो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग होता है। अर्थक्वेक के लिए बात करें तो सेम होता है, भूकंप के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। एपिडेमिक्स यानी कि अगर महामारियां अगर हो जाती है, जैसे कोरोना आपकी थी पहले, आपके काफी टाइम पहले प्लेग आया था, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। एवियन फ्लू की अगर बात करें तो ये आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि और पशुपालन मंत्रालय, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आपकी आती है, ठीक है। तो ये कुछ नोडल एजेंसीज है जो आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करते हैं आपका 6 नंबर पर, केमिकल डिजास्टर है आपका, अगर कोई भी रसायन की अगर आपदाएं हुई, अगर रसायन आप सभी को पता है केमिकल्स वगैरह अगर स्पिल हो जाते हैं, अगर फेल जाते हैं, तो वो सारी इस चीज के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो जैसे आपकी भोपाल गैस त्रासदी थी वो इसी के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इसके अंतर्गत आता है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर की अगर बात करें, औद्योगिक आपदाएं, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें आपने 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगी। रेल एक्सीडेंट, अगर रेल दुर्घटनाएं और रेल एक्सीडेंट से अभी है कि अभी जो है उड़ीसा के अंदर आपका एक डिजास्टर हुआ है, ओडिशा के अंदर आपका डिजास्टर हुआ है, ये बिल्कुल आपके लिए डिजास्टर ही है, बिकॉज 300 प्लस यहाँ पर डेथ हो चुकी है और हजारों लोग इसमें घायल हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस इसके अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जो कि डिजास्टर ही है, ठीक है। तो रेल दुर्घटना किसके अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर। एयर एक्सीडेंट, अगर हवाई दुर्घटना आपने सुना होगा, समुद्र के अंदर जो है जहाज जो है आपकी एरोप्लेन वगैरह वो गायब हो जाती है, उसके ऊपर गिर जाती है कहीं भी, तो इनकी दुर्घटनाग्रस्त आपके हवाई जहाज भी होते रहते हैं। सिविल एविएशन इसके अंतर्गत आता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। फायर, अगर कहीं पर आग लग जाती है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत है सारी चीजें। न्यूक्लियर इंसिडेंट अगर हुए हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आती है। 12 है आपका माइन डिजास्टर, खान आपदाएं, अगर माइनिंग कहीं पर चल रही है और फिर वहां पर बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे ढह जाती है, कोयले वाली मैंने आपको बताया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ माइंस के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। तो ये कुछ नोडल एजेंसीज है जो आपने जरूर ध्यान में रख लेनी है। अब बात कर
करते हैं गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट जो है सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर क्या चीजें होती हैं। तो रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका बात करेंगे। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं भाई, किस चीज की, रेस्क्यू की, कोई भी आपदा आपकी हो चुकी है तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपका रिकवरी होगी, रिलीफ प्रोवाइड कराई जाएगी, रेस्क्यू होगा, जितने भी घायल है उनको रेस्क्यू किया जाएगा, उनके बचाव के लिए सारी चीजें की जाएगी, उनको रिलीफ राहत प्रोवाइड करी जाएगी, रिहैबिलिटेशन यानी कि उनके पुनर्वास की जो है मूल जिम्मेदारी है वो किसके अंतर्गत आती है, वो आपके गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक तरीके से, केंद्र सरकार आपको एक तरीके से चीजें प्रोवाइड करती है, बट उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जिसमें पर्टिकुलर स्टेट के अंतर्गत वो चीजें आती हैं, वो डिजास्टर है, जैसे उड़ीसा वाला रेल, ये जो दुर्घटना हुई है ये किसके अंतर्गत आती है, उड़ीसा सरकार के अंतर्गत आती है। अगर उड़ीसा सरकार को सेंट्रल लेवल पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी हेल्प चाहिए है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी हेल्प प्रोवाइड करेगी, बट काम कौन करेगा, काम आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आती है, उनको किसी भी प्रकार की अगर सहायता चाहिए है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लीमेंट करती है इफर्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट इन केस ऑफ मेजर डिजास्टर। मैंने आपको अभी बताया ना कि मेजर काम किसका होता है, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सप्लीमेंट्स को प्रोवाइड करती है, जो कुछ भी चीजें होती है, फिर चाहे वो फंडिंग की चीजें हो, ठीक है, कुछ भी चीजें हो, अगर उनको अरेंज करके देना है तो फिर केंद्र सरकार अरेंज करके देती है सारी चीजें, फाइनेंशियल हेल्प हो तो वो देती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो तो ये सारी चीजें कौन देता है, ये केंद्र सरकार देती है, ठीक है। थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना इन चीजों को। लॉजिस्टिक सपोर्ट की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे डिप्लोमेट ऑफ एयरक्राफ्ट आ गया, बोट वगैरह है ना, कोई बाढ़ वगैरह तो वहां पर नाव जो होती है वो कौन देता है, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। आर्म्ड फोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है, और NDRF तो आप सभी को पता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसके बारे में जरूर मैक्सिमम चीजें पढ़ के जाना, मैंने आपको करवा रखी है ये चीजें। NDRF आपने अभी उड़ीसा वाला भी अगर न्यूज देखा होगा तो उसमें भी वो जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के जो काम कर रहे हैं वो आपके NDRF के सदस्य हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के ही मेंबर है वो, ठीक है। तो NDRF जो है आपको अरेंज करके देता है, रिलीफ मटेरियल अरेंज करके सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे देगी, एसेंशियल कमोडिटीज मतलब जो आपकी बेसिक चीजें होती है जिसके अंदर आपकी मेडिकल स्टोर हो गया भाई, दवाइयां वगैरह सब केंद्र सरकार आपको अरेंज करके देगी। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आ गई, अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो उसको बहाल करने का काम किया जाता है, तो जो कुछ भी चीजें आपको केंद्र सरकार से होती है, जो उनके लायक होती है वो करके देती है, बट ग्राउंड लेवल पर जो सारी चीजें वो एक तरीके से जिस पर्टिकुलर स्टेट के अंतर्गत ये चीजें आती है वो पर्टिकुलर स्टेट यहाँ से डील करता है, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट है जो कि डिजास्टर रिस्पॉन्स के अंतर्गत आते हैं, वो डिपार्टमेंट भी आप देख सकते हो यहाँ पर, बिकॉज ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। आर्म्ड फोर्सेस जो होती है, आपकी जितनी भी तीनों सेनाएं हैं वो किसके अंतर्गत आता है, आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। उसके बाद सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, ये कुछ डिपार्टमेंट है जो कि इन्वॉल्व होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद इंटरनेशनल रिस्पॉन्स होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आती है। उसके बाद कुछ मंत्रालय, कुछ डिपार्टमेंट है वो देख लो, जैसे रूरल डेवलपमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, ठीक है, टेलीकॉम है, हेल्थ है, अर्बन डेवलपमेंट है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, शिपिंग है, सरफेस ट्रांसपोर्ट है, रेलवे, सिविल एविएशन है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो ये कुछ आपके डिपार्टमेंट है जो कि एक तरीके से इन्वॉल्व होते हैं डिजास्टर रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें भी आपने ध्यान में रख लेनी है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ा है, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इन चीजों को करते हुए चले। अब डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इंडिया में, उसकी कुछ डायरेक्शंस हैं और ये चीजें मैंने इंक्लूड आपको फिर से थोड़ा सा लिख दिया, डीपली नहीं, डीपली मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सारी चीजें करवा रखी है, मैंने यहाँ पर थोड़ा इसलिए इसको एड ऑन किया ताकि आपको चीजें याद आ जाएं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का गठन है ना, नेशनल लेवल पर ये जो अथॉरिटी है ये आप कहती, फिर आपके स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है, ठीक है, जिसको आप SDMA बोलते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आती है DDMA आप जिसको बोलते हो, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई हुई है, बस मैंने थोड़ा आपको लिख के दिया है यहाँ पर कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ये आपकी मेजर एपेक्स बॉडी है, मेन बॉडी है, जितनी भी एजेंसी आती हैं, जितना भी काम आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर होता है वो सारा चीजें यहीं से ही निकल के जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया के अंदर इसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ इसके कुछ चेयरमैन होते हैं और जो है कुछ नो अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रख लेना है, मतलब एक चेयरमैन होता है,
प्राइम मिनिस्टर होता है, कुछ 9 अदर इसके सदस्य होते हैं, तो ये आपने थोड़ा सा इसके बारे में जरूर ध्यान में रखना है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विल बी सेट अप एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू बी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो स्टेट लेवल पर आपका SDMA है इसका हेड कौन होगा, इसका हेड उस पर्टिकुलर स्टेट का जो CM है वो होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका कौन होगा, उसका वहां का कलेक्ट्रेट होगा, वहां का जिला परिषद चेयरमैन, वो सभी लोग वहां के उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको नीचे भी थोड़ा सा ऐड करके दिया है, तो आप वहां से भी अच्छे से इसको कर सकते हो, बट फिर भी इसको देख लेना, मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको कवर किया है। वही चीज है यहाँ पर कि 2 नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसके अंदर आपका एक है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, PM इसके हेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपका एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी होता है, जो एक तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ठीक है, क्या करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, एक सेकेंड, कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करने का काम करता है। ठीक है, ये NEC, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और इसके जो हेड होते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर के जो सचिव होते हैं ना, वो होते हैं। ठीक है, और बाकी बहुत सारे मंत्रालय होते हैं जिनके सचिव होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं, वो हम आगे कवर कर देंगे। उसके बाद स्टेट लेवल पर आपके इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA, जिसके चीफ कौन हो जाते हैं, अपने पर्टिकुलर जिस भी स्टेट के अंतर्गत आते हैं वो उसके CM हो जाते हैं, और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी वहां के जो चीफ सेक्रेटरी है वो उसके मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, उसके चीफ हो जाते हैं। SEC, जैसे आपका नेशनल NEC था ना, जो कि NDMA का था, ये इसको मॉनिटर करने का काम करता है, ऐसे आपका स्टेट लेवल पर एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, वो आपका किसको मॉनिटर करने का काम करता है, वो आपका SDMA को मॉनिटर करने का काम करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इस सभी चीजों को मैंने प्रीवियस वीडियो में इंक्लूड किया है, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा एक ब्रीफली दे दिया है कि भाई ये चीजें इसके अंतर्गत आती है। एक फ्रेमवर्क है, आपको ये समझना जरूरी है, लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 का, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ, इस एक्ट को जरूर पढ़ के आपने जाना है। ये जो आपके NDMA SDMA सब किसके अंतर्गत आते हैं, सभी इस एक्ट के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका ऊपरी लेवल पर आपका केंद्र सरकार होता है, भाई हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल हेड होती है, इसके अंतर्गत आपके क्या क्या आती है, आपका NDMA आता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बाद इसके नीचे आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आता है, और इसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आता है। ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आपका लिंक होता है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, ठीक है, जो कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का सेल होता है, ये आपकी नोडल मिनिस्ट्री है, ये आप ध्यान में रखेंगे, मतलब मेन चीज है ये, मेन मंत्रालय है, यहाँ से आपका जो पूरा चीजें है वो एक तरीके से कोऑर्डिनेट होती है, वहां से सारी चीजें आपकी मैनेजमेंट के रिलेटेड निकलती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसको आप याद रखेंगे, यहां से आपका निकलता है NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, ठीक है, वो इसके ही अंतर्गत आपकी ये चीजें आती हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आपको सभी को पता भाई स्टेट गवर्नमेंट होती है, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपकी पंचायत, और आपका जो म्यूनिसिपैलिटीज है वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करो तो हमने अभी जस्ट ऊपर किया है कि NDMA को कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करने का काम कौन करता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी करता है, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, वहां के जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसके सचिव होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, और आपका SDMA का जो SEC है, जैसे आपका इसका NEC था, ऐसे आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का SEC होता है, और इसके चेयरमैन आपके वहां के चीफ सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, तो ये अपनी चीजें ध्यान में रख लेनी है, ये आपका कुछ थोड़ा सा फ्रेमवर्क है जो कि आपका चलता है, इस फ्रेमवर्क को आपने जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद एक चीज और है यहां पर, इसको भी थोड़ा सा आप ऐसे टाइप में कर लो, ऐसे डायग्राम टाइप में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको मैंने भी बताया भी आपकी एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, आपकी एक नोडल एजेंसी है, सारी चीजों को देखरेख का काम करती है, और डिजास्टर मैनेजमेंट की सेल है ये। ठीक है, यहीं से ही सारी चीजें निकलती है होम अफेयर से, और होम अफेयर से आपका क्या निकला है, अभी आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA हुआ निकला है, जिसके चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और 9 इसके अदर मेंबर होते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक एडवाइजरी कमेटी होती है, एक सलाहकार समिति होती है, और ये जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया ना, सेम चीजें हो रही है ये, बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, बिकॉज आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। ठीक है, तो NEC है, और जितने भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत आपको दिख रहे हैं, इन सभी डिपार्टमेंट के जो सचिव है वो
इस एनईसी के मेंबर होती है, ठीक है। और जो मेन जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, यूनियन होम मिनिस्ट्री के जो सचिव है वो होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद यहां से आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट निकला और ये आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स निकला, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सेम चीज है भी आपका स्टेट लेवल पर आ गया, जिसके नो मेंबर बॉडी होता है, जिसको चेयर करने का काम सीएम करते हैं वहां के स्टेट में। नो मेंबर इसके होते हैं, नो ही मेंबर आपके एनडीएम में के होते हैं। यहां से आपका एसटीसी निकला जो कि स्टेट लेवल पर एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है। और फिर आपका एंड में आ गया है डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसके अंदर आपके 7 मेंबर बॉडी होते हैं, जिसको चेयर करने का काम कौन करते हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर वहां के कलेक्टर हो जाएंगे, जिला पार्षद जो कुछ भी है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपकी लोकल अथॉरिटी आ जाएगी और एक एडवाइजरी कमेटी, ये जो कमेटी है वो आपकी हर उससे निकल के आती है, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो कि आपने ध्यान में रख लेना है, इस चीज को आप नहीं भूलेंगे, मे बी आपसे यहां से क्वेश्चन और बनेंगे यहां से क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए कुछ राष्ट्रीय नीतियां हैं उसको हम पढ़ेंगे। ये राष्ट्रीय नीति आपको अप्रूव करी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा अक्टूबर 22, 2009 को, और हर जगह इसको सर्कुलेट किया गया। इन पॉलिसी में जितनी भी ये नीतियां बनाई गई है आपदा प्रबंधन की, इसमें सारे एस्पेक्ट्स को, सभी पहलुओं को कवर किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट के। उसके अंदर आपके सारे अरेंजमेंट आ जाते हैं, फाइनेंशियल एग्रीमेंट आ जाते हैं, हम डिजास्टर को कैसे रोक सकते हैं वो आ जाता है, कैसे हम उसको उसकी क्षति को कम कर सकते हैं, कैसे हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं वो आ जाता है। प्रिपेयर्डनेस हमारी आ जाती है, हम कि हम किस लेवल पर प्रिपेयर हैं चीजों के लिए, ठीक है। आपका रेस्पॉन्स, रिलीफ और आपका रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास वाली सारी चीज, तो जो कुछ भी चीजें आपके डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड है वो सभी इन पॉलिसीज में कवर होती है। ये कैसे एरिया पे फोकस करता है जिसको ज्यादा नीड है, ठीक है, जिसको रिलीफ की ज्यादा नीड है, एक ऐसा एरिया जो ज्यादा क्षति हुआ है जहां पर उसको काफी हेल्प की जरूरत है, तो उस पर काफी फोकस करने का काम करता है, ठीक है। और इट एम टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी, यानी कि समाज की और समाज आधारित जो संगठन है उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम भी एक तरीके से राष्ट्रीय नीति करती है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा चीजें ध्यान में रख लेनी है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। नेशनल प्लान ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, अब राष्ट्रीय एक प्लान है, एक रूपरेखा है डिजास्टर मैनेजमेंट की। इसके अंतर्गत आपके 3 पार्ट्स आ जाते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, आपकी जब आपदा हो जाती है तो हम कैसे आप उस पर क्विक रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे आप इस चीज पे सारी राहत कार्य वगैरह सब चलाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका मिटिगेशन प्लान आ जाता है। मिटिगेशन को हिंदी में शमन बोलते हैं, मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करके चल रही हूँ, इसको शमन बोलते हैं। शमन करने का शमन का मतलब होता है कि कोई भी सेवरनेस है ना, कोई भी किसी भी आपदा की जो भारी क्षति है उसको कम करना, उसको रोकना, ठीक है, उसको उसकी जो जो क्षति है उसकी, जितना एक डेंजरस कोई सिचुएशन हो उस सिचुएशन को कम लेवल पर लेके आना, ठीक है। तो मिटिगेशन प्लान इसके अंतर्गत आता है और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान इसके अंतर्गत आता है, क्षमता निर्माण वाला जो योजना है वो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। और इन्हीं सभी प्लान्स के लिए, नेशनल मिटिगेशन प्लान्स के लिए सारे जितनी भी आपकी नोडल मिनिस्ट्रीज होती है वो सारी जो कंसर्न चीजें हैं वो उसमें सारी प्रिपरेशन वगैरह चलती रहती है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये आपने ध्यान से पढ़ लेना है, आप पीडीएफ मुझसे ले सकते हो ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, नेशनल गवर्नमेंट का क्या रोल है। नेशनल गवर्नमेंट जो है भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी को एमएचए जो है आपकी एक तरीके से नोडल एजेंसी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, ये मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया है। ये कहते हैं हम फंक्शन करते हैं 24/7, ठीक है, 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन ये जो है एक मॉनिटर करने का काम करते हैं कोई भी ऐसी सिचुएशन हो। और ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के टाइम पे डेली सिचुएशन की रिपोर्ट ली जाती है, बारिश के समय पे सारी रिपोर्ट्स वहां पर ली जाती है, जितने फीडबैक्स वगैरह आते हैं सब चीजें ली जाती हैं और सभी अफेक्टेड स्टेट को, कंसर्न सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को, जितने भी केंद्रीय मंत्रालय हैं उन सभी को ये सारी चीजें भेजी जाती है, ठीक है। और कैलेमिटीज अगर हो गई है सेवर नेचर, अगर किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटना या फिर क्षति अगर हुई है तो एक स्पेशल सिचुएशन रिपोर्ट बनाई जाती है और सभी को एक तरीके से इशू की जाती है। और एक तरीके से ब्रांच को डेवलप किया है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ का गठन भी इनके थ्रू ही किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सुनामी जब आई थी, सुनामी के बाद 2006 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। द मेन टास्क ऑफ एनडीआरएफ इज टू प्रोवाइड स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्स, जब भी कोई भी ऐसी आपदा आती है, कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले एक क्विक रिस्पॉन्स के रूप में एनडीआरएफ की टीम निकल के आती है, जैसे अभी जो ओडिशा के अंदर है वहां पर भी सारा बचाव कार्य चला हुआ है,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के रोल है। बाकी जो ग्राउंड लेवल पर चीजें होती हैं वो एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट करती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती है, और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है ग्राउंड लेवल पर चीजें करता है। फंडिंग की बात मैंने आपके साथ पहले भी वीडियोस में डिस्कस करी है, यहाँ पर भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। फंडिंग बहुत ही मेन चीज होती है, बिकॉज इस सभी चीज में भाई पैसा तो लगता है ना, जो भी आपकी क्षति हुई है, जितनी भी आपकी कैलेमिटीज हुई है, उसमें एक तरीके से फंडिंग बहुत जरूरी होती है। फिर चाहे वो रिलीफ कार्य हो, ठीक है, चाहे फिर वो आपका रिहेबिलिटेशन हो, कुछ भी हो, कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन करना हो, तो हर चीज में फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अंदर एक इमीडिएट रिलीफ जो है विक्टिम्स को प्रोवाइड करी जाती है, जैसे अभी जो ये आपदा हुई है ट्रेन वाली ओडिशा के अंदर, इसके अंदर केंद्र सरकार से भी जो है पैसे दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसे, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट ने भी पैसे दिए हैं, और साथ ही रेलवे जो मंत्रालय है उसने भी एक तरीके से जो रिलीफ है उनको, फंडिंग उनको दी गई है। जितने भी विक्टिम्स है जिनकी भी डेथ हुई है उनको एक तरीके से ये राशि दी गई है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ऑन इमीडिएट रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ नेचर कैलेमिटीज कैन बी मेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द फॉलोइंग फंड्स। यानी कि ये आपका एक कैलेमिटी रिलीफ फंड CRF होता है, जो कि हर स्टेट का होता है। ठीक है, हर स्टेट के पास उसका पर्टिकुलर CRF होता है जिसके अंदर फंडिंग होती है, और सरकार उसमें फंडिंग देती है, केंद्र सरकार उसमें 75% डोनेट करती है, और साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसमें 25% डोनेट करती है। एक चीज आपने और ध्यान में रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र जो सरकार है, मैंने आपके पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया है कि जो भी आपके जनरल कैटेगरी के स्टेट होते हैं, जनरल कैटेगरी के स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज, उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 75% देती है। ठीक है, लेकिन जो आपके स्पेशल कैटेगरी के होते हैं, मतलब विशिष्ट श्रेणी के जो स्टेट है, जो राज्य है या फिर यूनियन टेरिटरीज है, जैसे आपका ईस्ट के हो गए, है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट है, जिसके अंदर आपका जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, ठीक है, ये जितने भी आपके स्टेट है और भी काफी स्टेट है, तो इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है वो 90% देती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, ठीक है, ये डाटा है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और जो स्टेट लेवल पर जो फंड होता है वो आपका कैलमिटी रिलीफ फंड CRF होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी चीजें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही जो फंडिंग है वो करी जाती है, जितने भी विक्टिम्स हैं उनको। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका ये जो CRF के अंदर अगर अमाउंट सफिशियंट नहीं है, अगर CRF के अंदर अमाउंट सफिशियंट नहीं है, तो फिर बाद में स्टेट अप्रोच कर सकता है केंद्र सरकार को फॉर एडिशनल असिस्टेंस फ्रॉम द नेशनल कैलेमिटी कॉन्टिंगेंसी फंड NCCF। ये आपने जरूर ध्यान में रखना है, नेशनल लेवल पर जो फंडिंग होती है जो केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो आपका NCF है। ठीक है, ये आप एक एक तरीके से आप ध्यान में रखेंगे, सॉरी NCF नहीं, CRF, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास एक तरीके से अकाउंट होता है। ठीक है, और नेशनल तौर पर कौन सा होता है, आपका NCCF है। एक चीज और ध्यान में रखना, इसको मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है किसके साथ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। अब आपका ये जो NCCF है ये आपका NDRF हो गया है, और इसको 2010 से इसको इसमें मर्ज कर दिया गया। ठीक है, या आप ये कह लो कि इसको रिनेम कर दिया गया है NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया होगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसमें से जो है पैसे दिए जाते हैं फिर CRF में। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रॉपर अगर अमाउंट नहीं है तो फिर NCCF या फिर आप NDRF इसको बोल सकते हो, इसमें से पैसे स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। गवर्नमेंट अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट के क्या अप्रोच है, हम ऊपर से सारे गवर्नमेंट के ही अप्रोच पढ़ते आ रहे हैं, बट एक तरीके से ना एक गवर्नमेंट ने एक तरीके से जो पहला आपका अप्रोच था उससे थोड़ा हम शिफ्ट हुए हैं आज के टाइम में। पहले का जो अप्रोच था वो आपका रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच था, मतलब कि आपदा हो गई है, आपदा होने के बाद आपको एक तरीके से बस फोकस किया जाता था हम कैसे रिलीफ करें। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में जो अप्रोच फॉलो करी जा रही है वो आपकी अप्रोच है कि आप एम्फसाइज कर रहे हैं, हम लोग एम्फसाइज कर रहे हैं मिटिगेशन में, यानी कि कोई क्षति अगर हो रही है आपदा से तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, इस चीज पे फोकस किया जा रहा है। साथ ही हम उसको कैसे रोक सकते हैं आपदा को, उस पे फोकस किया जा रहा है, और हम किसी भी आपदा के लिए कितने तैयार हैं इस चीज पे फोकस किया जा रहा है। पहले फोकस किया जाता था बस रेस्पॉन्स पर, रिलीफ पर और रिहेबिलिटेशन पर, बट आज के टाइम में हमने जो अप्रोच है वो अपना शिफ्ट कर दिया है, और वो जो शिफ्ट है आपका होलिस्टिक अप्रोच है, जिसके अंतर्गत आपका मिटिगेशन आता है, प्रिवेंशन आता है और प्रिपेयर्डनेस इसके अंतर्गत आती है।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि हम लोग रिलीफ सेंटरिंग अप्रोच से शिफ्ट हो गए हैं होलिस्टिक अप्रोच पर। उसके बाद मिटिगेशन मेजर है, गवर्नमेंट की तरफ से शमन के क्या उपाय करे गए हैं, भाई कोई भी आपकी कैलेमिटी, कोई भी आपकी क्षति है, कितना भी आपका सेवर, कोई भी कंडीशन है, उससे आप अपने उससे जो कोई क्षति हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है, उसको हम कितना कम कर सकते हैं, वो आपका मिटिगेशन होता है। तो इसके लिए कौन कौन से मेजर अपनाए गए हैं, इसके लिए एक तरीके से कोर ग्रुप बनाए गए हैं जिसके अंदर कुछ एक्सपर्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर सेटअप करके देते हैं जो कि एक तरीके से गाइड करते हैं, और स्ट्रेटजीज यानी कि नीतियों का और कुछ प्रोग्राम्स का निर्माण करते हैं जो कि एक तरीके से बताता है भाई अर्थक्वेक के टाइम पे क्या करना है, सारी चीजें हमें बताई जाती है ताकि हम चीजों को मिटिगेट कर पाए, जो भी आपकी हानि है उसको कम कर पाए। अर्थक्वेक से रिलेटेड, साइक्लोन से रिलेटेड, लैंडस्लाइड्स है ना, जो जितनी भी चीजें हैं उससे रिलेटेड कुछ कोर ग्रुप्स है जिसके अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, कुछ एक्सपर्ट होते हैं, उनका निर्माण यहाँ पर किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद एम्फेसिस किया गया है ऑन एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड कोड्स फॉर सिस्मिकली रेजिस्टेंट बिल्डिंग डिजाइन रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि भूकंप प्रतिरोधी भवन डिजाइन पर फोकस किया जा रहा है और निर्माण के लिए निर्धारित मानकों और संहिताओं के पालन पर जोर, यानी कि अभी आज के टाइम में बिल्डिंग ऐसे होने लगी है कि उसको प्रोटेक्ट करा जा रहा है कि अब अगर भूकंप आ रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट रहे और वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो इस चीज पर भी फोकस किया जा रहा है। अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जा रही है, और अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस टाइम पर, ग्राउंड लेवल पर, लोकल लेवल, लोकल पीपल के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना जनरल पब्लिक को, ताकि जो रिस्क है, जो आपकी वल्नरेबिलिटी है और जो बेसिक चीजें आपको पता हो कि आपको किसी भी डिजास्टर के टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे भूकंप के बारे में है कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, तो ऐसे अवेयरनेस जो है लाने का काम एक तरीके से गवर्नमेंट कर रही है मिटिगेशन मेजर के अंतर्गत। कम्युनिटी लेवल प्रिपेयर्डनेस यहाँ पर बताई गई है, भाई समुदाय आधारित यहाँ पर तैयारी है, हमने समुदाय के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि समुदाय जो होता है, जिस भी पर्टिकुलर रीजन में कोई भी आपदा है तो वहां का जो समुदाय है वो आपस में मिलकर के खुद से ही खुद की हेल्प करते हैं, इससे पहले कि गवर्नमेंट आए, इससे पहले भी कोई एनजीओ आए, तो जो वहां के लोकल लोग है वो ही अपनी खुद की हेल्प कर सके, एक तरीके से उनको जागरूक जो है करने का काम वहां पर किया जाता है। तो कम्युनिटी लेवल पर प्रिपेयर्डनेस की बात करी गई है, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान को, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, और एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, भाई आप कैसे ड्रिल, आप जिसको बोलते हो ना अभ्यास, एक तरीके से होता है कि अगर कोई आपदा आती है तो हम कैसे कैसे सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, वो इसके अंतर्गत आता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, जो भी आपकी आपदा चेतावनी प्रणाली है उसको हम और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, साइक्लोन के लिए, फ्लड के लिए या फिर लैंडस्लाइड के लिए, और साथ ही यहां पर आपको फोकस करके दिया गया है ऑन ड्राइंग अप periodic rehearsing of on-site and off-site hazard management plans by industries, यानी कि आपने देखा होगा जितने भी उद्योग वगैरह होते हैं वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो आप उद्योगों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डेंजरस होती हैं, तो वहां पर ये कहा गया है कि समय समय पर वहां पर मॉक ड्रिल्स हो, है ना, मतलब पूर्वाभ्यास करने पर जोर दिया गया है, भाई जितनी भी आप कोई भी ऐसी हजार्डियस अगर कोई सब्सटेंस यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे काम करना है, तो वो चीजें यहाँ पर आप बताई गई है ताकि किसी भी कैलेमिटी से हम बच सके। उसके बाद इनकॉर्पोरेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिक्स इन स्कूल एजुकेशन, और आपदा प्रबंधन के बारे में स्कूल के अंदर भी चीजें अप्लाई हो, स्कूल के अंदर भी बच्चों को एक तरीके से पढ़ाया जाए इस चीज के बारे में, ताकि बच्चे भी अवेयर हों कि भाई इस टाइम पर ये चीजें होती है और हमें ऐसे ऐसे हमारे ये डूज है, ये हमारे डोंट है, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल आप समझ ही गए होंगे, सारी चीजें करनी स्टेट गवर्नमेंट को ही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बस आपको एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करती है कि आपने ऐसे ऐसे सारे काम करने हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ डिजास्टर, इन द स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और सारे डिसीजन जो है रिलीफ ऑपरेशन को वो उनके द्वारा ही किए जाते हैं, जैसे अगर उड़ीसा के अंदर ये ट्रेन वाला हुआ है तो वहां का जो पर्टिकुलर जो सीएम है, वहां के जो भी आपके चीफ सेक्रेटरी है, वो सारे एक तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। हाँ, सेंट्रल लेवल पर एक नजर रखी जाती है भाई चीजें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, बट उसको इंप्लीमेंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। Work is also
वर्क इज फर्दर डेलीगेटेड टू द रिलीफ कमिश्नर हु इज इन चार्ज ऑफ रिलीफ, और जो भी उसका इंचार्ज है उन तक सारी चीजें पहुंचाई जाती है, जितने भी आपके रिहेबिलिटेशन मेजर्स हैं उनको बताए जाते हैं। ही फंक्शन अंडर द डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट लेवल कमेटी, यानी कि राज्य स्तरीय जो समिति है उसके अंतर्गत ही सब लोग मिलकर के काम करते हैं। सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द रिव्यू इज समटाइम इन चार्ज ऑफ रिलीफ मेजर, समीक्षा विभाग के सचिव कभी कभी राहत उपायों के प्रभारी भी होते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे कि स्टेट लेवल पर ही चीजें होती है, स्टेट के जो ऊपर है भाई सीएम वगैरह जो भी इस चीज को देखते हैं वो बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजते हैं, भाई आपको ऐसे करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर चीजें नीचे ग्राउंड लेवल तक जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखेंगे, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन देखेंगे आप। गवर्नमेंट प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट आर इंप्लीमेंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि स्टेट ने क्या कर दिया, स्टेट ने बता दिया भाई आपको ऐसी चीजें सारी करनी है, उसके बाद उस सारे प्लान्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा जाता है, जिला स्तर पर वो सारी चीजें भेजी जाती है और वहां के जो अधिकारी है फिर आगे सारी चीजें करते हैं। एक्चुअल ग्राउंड वर्क फॉर लीव इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जहां पर कोई भी चीजें होती है वो जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है वहां के जो अधिकारी है वो एक तरीके से उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इसके अंदर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, डिप्टी कमिश्नर की, दे आर द कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द रिलीफ वर्क, वो एक तरीके से मेन होते हैं वहां पर, अगर कोई भी कमी पाई जाती है फिर उनको पकड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से सारी चीजें आ रही है भाई, आप सारी हेल्प उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर फिर नहीं हो रहा है तो फिर वो उनकी गलती है। तो ये जितने भी पर्टिकुलर बंदे हैं, जो भी ये अधिकारी है, एक तरीके से वो इस चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, उस जो कमेटी के सदस्य होंगे, जो हेड होंगे, वो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, जिला अध्यक्ष जिला अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ऑफिसर्स फ्रॉम हेल्थ इरिगेशन, और इस कमेटी के अदर सदस्य होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, इरिगेशन से, वेटरनरी से, पुलिस से, फायर सर्विस से, वाटर से, सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट से, इसके मेंबर होते हैं इस कमेटी के, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाई गई है ना, उसके मेंबर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी टेक्स डिसीजन ऑन द रिलीफ मेजर एंड दो डिसीजन आर कैरिड आउट बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि इस कमेटी ने जो डिसीजन लिए हैं आपस में मिलकर के डिसीजन लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे चीजें सारी करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करने का काम फिर ये करते हैं आपस में मिलकर के, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारी चीजें होती हैं, यानी कि ऐसे सीरीज में चीजें चली आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं कि ट्रेन्ड पर्सन फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स कैरिड आउट द रिलीफ मेजर, जितने भी प्रशिक्षित लोग हैं सभी डिपार्टमेंट से, वो सभी एक तरीके से बचाव कार्य में लग जाते हैं। मेन फंक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो ऊपर बनी थी, उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, ये कमेटी प्रिपेयर करती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये कमेटी है जो एक तरीके से सारा प्लान को बनाती है कि हम ऐसे अगर कोई भी आपदा आती है तो हम ऐसे वर्क करने का काम करेंगे, और ये कमेटी ट्रेन करती है जितने भी मेंबर्स होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के, उनको ट्रेन करने का काम करती है रेस्क्यू के लिए और रिलीफ ऑपरेशन के लिए, और ये कमेटी कैरी आउट करती है मॉक रेस्क्यू ड्रिल, यानी कि जो आपके अभ्यास होता है ना एक तरीके से भी, मतलब एक तरीके से वो वैसा अभ्यास होता है कि भाई अगर कोई चीज होगी तो हम ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, ऐसे ही हमने काम करना है, तो मॉक ड्रिल वो होता है। ठीक है, तो मॉक ड्रिल भी सारी करवाई जाती है ताकि प्रिपरेशन को जांच सके या कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है किसी भी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, आपकी क्या प्रिपरेशन, आप किस स्तर तक पहुंचे हैं उसको जांचने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू ड्रिल भी कराए जाते हैं इस कमेटी के थ्रू। उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, भाई लोकल रूप पे जो गवर्नमेंट होती है उनके वो कैसे सारी चीजें करती है, तो जो लोकल गवर्नमेंट है हैज फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ योर कमिटीज, भाई वहां की जो एक स्थानीय जो गवर्नमेंट है, स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसको ज्यादा पता होता है एज कंपेयर टू ऊपर वाले जो लोग हैं, उनको ज्यादा पता होता है कि हमारे जो एरिया है उसकी सोशल नीड क्या है, हमारे एरिया की इकोनॉमिक नीड क्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नीड क्या है और हमारा एनवायरमेंटल नीड क्या है, और यही जो नीड उनको पता है वो उनको हेल्प करने का काम करती है किसी भी डिजास्टर में। ठीक है भाई, समुदाय जो बेसिक जो लोकल्स होते हैं उनको ज्यादा पता होता है ना अपने एरिया के बारे में, तो वही चीजें बताई गई है। तो रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जो भी आपकी स्थानीय सरकार है उनका क्या रोल हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, तो वो एक तरीके से डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, आपदा प्रतिक्रिया क्षमता का के बारे में सारी चीजें होती हैं, अप्रूव करते हैं लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को और एंश्योर करते हैं लोकल डिजास्टर इंफॉर्मेशन इज प्रॉम्प्टली गिवन टू द डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इन सारी चीजों को एक तरीके से सारी चीजें इंप्लीमेंट हो सके, ये सारा काम किसका होता है, लोकल जो गवर्नमेंट है उनका काम होता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, एक एक करके हमने सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी है। आप बात करते हैं लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप्स की, स्थानीय आपदा प्रबंधन समूह, तो लोकल गवर्नमेंट अपॉइंट लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप,
यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो एक तरीके से अपॉइंट करने का काम करती है, एक तरीके से नियुक्ति करती है इन आपदा प्रबंधन समूहों की। और इनका रोल क्या होता है, डेवलप करना, रिव्यू करना, एसेस करना, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को एक तरीके से उनका निर्माण करना, उनको रिव्यू करना कि सारी चीजें सही है कि नहीं है, उनका आकलन करने का काम इनका होता है। ठीक है, ये जो ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, हेल्प लोकल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर अ लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, यानी कि ये जो समूह होते हैं वो जो स्थानीय सरकार है उसको हेल्प करते हैं कि सारी चीजें आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। एंश्योर करते हैं कम्युनिटी नोज हाउ टू रेस्पॉन्ड, और ये सुनिश्चित करते हैं कि वहां की जो पर्टिकुलर समुदाय है वो कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, उनको एक तरीके से प्रिपेयर करने का काम करते हैं। डिजास्टर के जो रिसोर्सेज है, आपदा संसाधनों की पहचान करना, उनको समन्वय करने का काम करते हैं। मैनेज करते हैं लोकल डिजास्टर ऑपरेशन को, और एंश्योर करते हैं लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर ऑपरेशन इंटीग्रेट विद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि सारी चीजों को मैनेज करने का काम इन समूह के द्वारा किया जाता है, ये भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। और जो मेयर होते हैं या फिर दूसरे इलेक्टेड मेंबर होते हैं काउंसिल के, वो इस चेयरपर्सन होते हैं इस लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप का। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने सेंट्रल लेवल पर क्या रोल होता है गवर्नमेंट का, स्टेट लेवल पर क्या रोल होता है गवर्नमेंट का, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर और लोकल लेवल पर गवर्नमेंट के क्या रोल होते हैं, ये हमने आज की इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। पीडीएफ चाहिए है तो पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा 7419055279 पर, अदरवाइज आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आपके जो बनाए हुए नोट्स है वो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एज कम्पेयर टू पीडीएफ, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टीचिंग गोल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।